हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त अनुप्रिया और आज ये मेकअप लुक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। एक्चुअली अमेजोन से मैंने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगवाए थे जो कि है #AmazonPrime और कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जो काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा हाइप्ड है। तो मैंने कहा मैं भी मंगवाती हूँ और देखती हूँ, चेक करती हूँ ये कितने ज्यादा काम करती हूँ और कितना अच्छे से मतलब मेरे मेकअप लुक को एनहेंस करते हैं। आई नो आपको कुकर की सीटी आ रही होगी तो थोड़ा सा बेयर कर लीजिए, एक्चुअली खाना बन रहा है। तो अभी हम ये मेकअप लुक भी करेंगे और उसके साथ साथ फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो भी करेंगे। तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। मेरे बेस मेकअप सिर्फ किया हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगाया है, बहुत ही हल्का सा मैंने जो बेस मेकअप किया है। अभी जो पहला प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो ट्राई करने वाली हूँ, तो वो है रैने का गोल्ड आर ये आई शेडो पैलेट। मैं फर्स्ट रैने के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था इंस्टाग्राम पर, मतलब मैंने देखा भी था, काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, तो मैंने इसलिए मंगवाया। अगर पैकेजिंग की बात करूँ तो इस तरीके की फ्रंट में कार्डबोर्ड पैकेजिंग मिलती है, बैक साइड पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसका प्राइस 750 रुपीज यहाँ पर मार्क है और आपको 3 साल की शेल्फ लाइफ इसमें मिल जाती है। पैकेजिंग वाइज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है, सेम पैलेट पैकेजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। बैक पे सारी जानकारी जो आपको कार्डबोर्ड पे थी वो सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। अगर मैं इसे ओपन करती हूँ तो ओपन करके आपको बहुत ही अच्छा सा मिरर मिल जाता है जहाँ पर देखकर आप मेकअप कर सकते हैं। और शेड्स की बात करूँ तो 6 डिफरेंट शेड्स आपको मिल रहे हैं, तो जिसके अंदर आपको 3 शिमर और 3 मैट मिल रहे हैं। थोड़े से मतलब न्यूड और डार्क शेड दोनों ही हैं। अभी मैं आपको इस पर स्वेचेस करके दिखा देती हूँ। अगर मैं इधर मैट शेड पर्पल की करूँ तो कलर पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है, पे ऑफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इम्प्रेस्ड। और अगर शिमर की बात करें तो शिमर ग्लिटर भी ठीक ठाक सा है, मतलब अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर अगर ब्राउन वाले की बात करूँ तो ये भी कलर पे ऑफ है, चौकी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बाकी अभी आई मेकअप करेंगे तो पता चलेगा। तो ये इसके कलर्स हैं, मतलब कैमरा पे शिमर कलर इतने ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं लेकिन काफ़ी अच्छे कलर्स मुझे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये जो बेस कलर है ये भी बेज कलर अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर्स हैं, काफ़ी अच्छा पे ऑफ है। और इनफैक्ट ये जो शिमर कलर्स है ना, ये सामने से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एज़ कंपैरिजन टू कि हम बाद में देखें तो। अभी मैं फटाफट से आई मेकअप करती हूँ। पहले हम यहाँ से ट्रांजिशन शेड लेते हैं, ये वाला ट्रांजिशन शेड मैं ले रही हूँ और इसे मैं अप्लाई करती हूँ अपने आईलिड पे। एक साइड में ये वाला मेकअप करूँगी और दूसरी साइड में दूसरा एक और आई शेडो माई ग्लैम का मैंने मंगवाया है उससे करूँगी। तो अभी हम फटाफट से आई मेकअप एक कंप्लीट करते हैं। अगर मैं बात करूं आईज के ऊपर इसको ग्लाइड करने की, तो बहुत ईजिली ग्लाइड हो रहा है, बहुत ईजिली कलर आ रहा है और ब्लेंड भी बहुत ही आसानी से हो रहा है। तो जिस हिसाब से हम प्राइस पे कर रहे हैं बाकी अदर पैलेट्स के कंपैरिजन में, ये अच्छा पैलेट है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। और यहाँ पर ब्राउन के साथ मैं थोड़ा सा गोल्डन टच देती हूँ। वाओ, ओ माय गॉड, टू गुड। मतलब हाथ पे इसका पिगमेंटेशन इतना अच्छा नहीं आ रहा था जितना आईज के ऊपर गोल्डन का आ रहा है, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है। ओह माय गॉड, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने मैंने ये किया है और ये फर्स्ट इम्प्रेशन है। मैंने आज से पहले ये पैलेट हाथ भी नहीं लगाया था, मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया है। मुझे ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ईजिली हो जाता है। अगर आप बिगिनर है ना तो थोड़ा सा भी मेकअप आता है तो इन्वेस्ट कीजिए इस पैलेट में, बहुत ही अच्छा है, बिगनर फ्रेंडली है, आराम से ग्लाइड हो रहा है इजीली, मतलब कलर पे ऑफ है इसका, फॉल डाउन भी बहुत ज़्यादा नहीं है और इजीली आप इसके साथ काम कर पा रहे हैं। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, आप खुद आई मेकअप देख सकते हैं। ओ माई गॉड, मतलब रियली इम्प्रेस्ड। मतलब 550 रुपीज़ में 6 कलर्स और उसके बाद आई मेकअप जो निकल के आया ना, टू गुड, टोटली वर्थ द प्राइस। तो मुझे ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आई मेकअप की तरफ। एक आई शेडो पैलेट मंगवाया है, ये माई ग्लैम का आई शेडो पैलेट है, मैंने काफ़ी सुना था इसके बारे में। 299 रुपीज़ इसका प्रिंट प्राइस है। अगेन इसकी 3 साल की आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है और 4 शेड्स आपको मिलती हैं। बैग में कोई इन्ग्रीडियंट्स मिल जाते हैं, ये है सैंड नोड्स,
फोर आई शेडो किट ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, पिंक कलर का, काफी गर्ली गर्ली क्यूट सा मतलब आपको मिल जाता है, सेम जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही सब कुछ आपको यहाँ पर अंदर आई शेडो पैलेट पे मिल रहा है। इसको ओपन करके आपको कोई मिरर वगैरह नहीं मिल रहा है, चार शेड्स आपको मिल रहे हैं आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको एक ट्रांजिशन शेड मिल रहा है, आपको दो ग्लिटर और दो मैट, बेसिकली दो मैट और दो ग्लिटर है, पिंकी पिंकी सा है। अभी मैं आपको इसका पिगमेंटेशन हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कलर पिगमेंटेशन की बात करूँ तो इसका भी पेऑफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बाकी अभी काम करेंगे तो पता चलेगा। ये पिंक कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ग्लिटर की बात करूँ तो ग्लिटर थोड़ा सा मतलब मुझे लाइट लगा, ये अभी पिंक है। गोल्डन पे चेक कर लेते हैं, एज कंपेरिजन टू रेने जो एक्सपेक्टेशन मेरी सेट हो गई थी उस हिसाब से मुझे इसका ग्लिटर पार्ट जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर ये कैमरा पर कम दिख रहा था, सामने से मुझे पता लग रहा था कि हाँ इस पर कलर पिगमेंटेशन अच्छा है, लेकिन ये कैमरा पे भी विजिबल नहीं है और वैसे भी काफ़ी लाइट लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाइट शेड है। प्राइस में भी डिफरेंस है पर ठीक है, मतलब बाकी अभी काम करते हैं तो देखते हैं। ये इसके चार डिफरेंट शेड हैं, दो ग्लिटर हैं जो कि कैमरा पर दिख नहीं रहे हैं, दो मैट फिनिश के साथ आते हैं। अभी फटाफट से मैं यहाँ पर काम करती हूँ। यहाँ पर मैं पहले ब्राउन शेड ले रही हूँ। कलर ब्राउन वाला तो काफी ज्यादा अच्छा, थोड़ा सा पिंक इसमें ऐड करके देखती हूँ। चौकी तो ये भी आई शेडो मुझे नहीं लग रहा है, तो पिंक कलर की बात की जाए तो पिंक कलर इजिली ग्लाइड हो रहा है। कलर पे ऑफ भी मुझे ठीक ठाक सा लगा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है, लेकिन जिस हिसाब से कलर पिगमेंटेशन है उस हिसाब से वो क्यूटनेस इसमें नहीं दिख रही जो पैकेजिंग में क्यूटनेस थी, लेकिन स्टिल अच्छा है। अभी मैं इसमें से ये जो ग्लिटर वाला शेड है कोरल शेड वो ले रही हूँ और इसे मैं आईलिड पर अप्लाई करती हूँ। बहुत मेहनत लग रही है उसको ग्लाइड करने में, इसका शिमर शेड इतना ज्यादा कलर पे ऑफ दे नहीं रहा है मुझे। एक बार मिरर लेती हूँ, मतलब इतना अच्छे से वो करने के बाद भी स्टिल मतलब मुझे कलर इसका अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ग्लिटरीनेस नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा है। देखिए इतना ज्यादा स्ट्रेच करने के बाद मतलब इतना ज्यादा कलर लेने के बाद भी ग्लिटर शेड बिल्कुल भी अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा है, ग्लिटर शेड से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैट शेड फिर थोड़ा सा बेटर है, मतलब कलर आ रहा है लेकिन मज़ा नहीं आया। आई डोंट नो, शायद उस साइड मेरा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक सेट हो जाती है ना, उस हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी। इस तरफ मेरी आईज काफ़ी बड़ी ब्रॉड अच्छी खूबसूरत लग रही है और ये साइड काफ़ी डल डल सी लग रही है। अगर मैं ऐसे भी देखूँ तो भी मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है उस लुक का। ये डे टाइम लुक है, ये नाइट टाइम लुक है, वो बात नहीं आ रही है जो एक बात आनी चाहिए आई शेडो में। लेकिन 299 रुपीस में मैं क्या ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, उस हिसाब से ठीक ठाक सा पैलेट है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा मुझे। है तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको थोड़े न्यूड शेड्स या इस तरीके के शेड चाहिए, या आप अगर टीन एज में हैं तो भी ये पैलेट ठीक ठाक सा है क्योंकि उस टाइम पर इतना ग्लिटर चाहिए नहीं होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और अच्छे मेकअप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रहने वाला 550 रुपीज़ या 650 रुपीस का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, वर्थ द प्राइस है। इजीली आप इस पर काम कर सकते हैं, ग्लिटर शेड भी अच्छे हैं, 6 डिफरेंट शेड मिल रहा है, नाइट लुक आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ये लुक मुझे अच्छा नहीं लगा। इन दोनों पैलेट्स में से आप मुझे रिकमेंड करने को बोलोगे तो मैं रहने वाला आपको रिकमेंड करूंगी, क्योंकि एक तो इजीली काम हो रहा है, बहुत अच्छा पैलेट लग रहा है। ऑब्वियसली प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे में ही इन्वेस्ट कीजिए। ये किड्स काइंड ऑफ मेकअप मुझे ही लगा, मतलब किड्स में नहीं, बिगिनर काइंड ऑफ मेकअप ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुई मैं इससे। जो थर्ड प्रोडक्ट मैंने एक्सप्लोर किया है वो है ये रेने की 3-in-1 जो पेंसिल वाली लिपस्टिक्स होती है ना, ये इसमें तीन शेड है, आईज, चिक्स एंड लिप्स। एक्चुअली तीन डिफरेंट शेड्स इसमें आपको मिल जाते हैं जो कि एक ही पेंसिल में आपका सारा काम होने वाला है। काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, इसके ऊपर सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह है। ये है रेने फैब फेस दीवा,
और इसमें 4.5 ग्राम आपको मिल रहा है, 3 साल की आपको शेल्फ लाइफ मिल रही है, और 750 रुपीज पे आपको एक में तीन का काम कर रहा है बेसिकली। ये हाइलाइटर का काम करेगा, ब्लश का काम करेगा और लिपस्टिक का काम करेगा। तो ये इस तरीके की है, जैसे हम पहले वो आती थी ना पेंसिल आती थी पुश वाली, ये बिल्कुल वैसे ही। आपको यहाँ से निकालना है, इसके अंदर लगाना है और आपको इसे ऊपर कर देना है। तो ये चिक्स वाला आ गया, और उसके बाद आप इसे दोबारा से ऐसे कीजिए और नीचे लगाइए इसके, और ये आपके लिप्स के लिए क्रियोन आ गया। तो ये काफी अच्छा लगा, मतलब पॉप पुश एंड अप्लाई, इंजॉय कीजिए। तो ये हाइलाइटर का काम काफी अच्छे से करेगा, आप इसे एज आई शेडो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी टू इन वन है ये, मुझे ये अच्छा लगा। तो अभी आईज का तो मैं कर चुकी हूँ, तो अभी चिक्स पे हम देख लेते हैं कि कितना अच्छे से काम कर रहा है। काफी कोरल लाइट सा शेड है, बहुत प्यारा सा शेड लग रहा है, बाकी ब्लेंडिंग के बाद असली पता चलेगा कि कैसा है। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है शेड, ये कितना इजली ग्लाइड हो रहा है, इतना क्रीमी है कि आप हाथों से इसे इनफेक्ट ब्लेंड करेंगे ना तो ये आपको ज्यादा अच्छा लुक देगा, एज कंपेरिजन टू कि आप ब्रश से इसे इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब शेड भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये अभी मेरा आप करंट फेवरेट होने वाला है, अभी जैसे लिप एंड चिक टिंट मेरे फेवरेट थे ना, वैसे ये मेरा फेवरेट होने वाला है। मैं कहीं पे भी जाऊंगी ना, सिर्फ एक ही लिपस्टिक मुझे कैरी करनी है एंड आई एम सॉर्टेड। तो आपको इस तरीके से लेना है, इसके अंदर आपको डालना है, और ये आपकी लिपस्टिक आ गई। तो अभी हम रेड लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। लिपस्टिक भी काफी इजिली जो है वो अप्लाई हो रही है, इजिली ग्लाइड हो रही है, काफी अच्छा शेड लग रहा है। पर इसमें रेड शेड ही है, अगर इसमें न्यूड शेड होते तो वो ज्यादा अच्छा लगता। अभी इसके बाद हम अप्लाई करते हैं हाइलाइटर, तो इसे मैं निकालती हूँ। शेड भी काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब मरून रेड काफी अच्छा सा शेड है। इसके बाद अभी हम ये अप्लाई करते हैं, जो कि आईज के लिए। अब आईज पे तो मैं कर नहीं सकती हूँ, हम इसे एज अ हाइलाइटर अप्लाई करके देखते हैं। क्रीमी है, इजिली ग्लाइड हो रहा है, गोल्डन गोल्डन सा शेड आ रहा है, और हाइलाइटर का काम भी ये काफी अच्छे से कर रहा है। आप वो ग्लो देख सकते हैं मेरे फेस पे, तो मुझे ये अच्छा लगा। मतलब रहने के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको इसमें तीन चीज़ें मिल रही हैं, आई स्टिक्स एंड लिप्स। अगर आप सिंपल एक क्रियॉन आई शेडो भी लेते हैं तो भी वो काफ़ी कॉस्टली मिल जाता है, तो 750 का तो आता है, और यहाँ पर आपको 750 में तीनों चीज़ें मिल रही हैं। जस्ट इसे पर्स में डालिए एंड आप कहीं पर भी जाके अपना आई मेकअप कर सकते हैं। अब इसको बंद कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ तक इसे लाना है और इसे भी यहाँ तक रखना है। ये इसका पेंसिल है और ये मतलब इसका कैप है, और यहाँ पे ये आपका बंद हो गया। इसे अपने पर्स में डालिए और आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ये ओवरऑल लुक है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, कितना कुछ है यार। सिर्फ बेस मेकअप उठाओ, ये उठाओ एंड यू आर सॉर्टेड। नेक्स्ट जो है ये है आपका 3-in-1 हाइलाइटर। इसमें आपको तीन डिफरेंट शेड मिल जाते हैं, जिसे आप एज अ हाइलाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए आप आई शेडो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम आई शेडोज का काम करेगा आपके लिए। तो ये गोल्डन शेड आ गया, एक आपको व्हाइट शेड मिल जाता है, और एक आपको ये पिंक, जो कि हमने जैसे कि देखा था ये ग्लिटर पिंक शेड है हाइलाइटर का। तो तीनों आई शेडोज के लिए काम करते हैं। अभी मेरे फेस के ऊपर तो सारा मेकअप हुआ हुआ है, मैं आपको हैंड स्वैच करके दिखा देती हूँ, अलग से इसका एक रिव्यू कर दूंगी। तो इसमें ये जो पिंक वाला शेड है, इसका स्वैच मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओ माई गॉड, कलर देखिए, कलर पे ऑफ, क्रीमीनेस देखिए, कितना प्यारा लग रहा है, मतलब मजा आ गया मुझे देख के। अगर आप हाइलाइटर्स के शौकीन है ना, तो ये आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। ये देखिए, ओ माय गॉड, कलर पे ऑफ आप देख सकते हैं, कितना प्यारा है, कितना अच्छे से शाइन कर रहा है, और कितना ज्यादा ग्लिटरी है ये गोल्डन शेड। ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारा है, मतलब ये कोरल शेड है, गोल्डन भी नहीं है, कोरल शेड है। ये तीनों शेड्स बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और बहुत ही प्यारा डिफरेंट शेड है, और डिफरेंट यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है, ये भी अगेन 750 का है। 750 में तीन हाइलाइटर्स आपको मिल रहे हैं, टोटली वर्थ द प्राइस है। मतलब हाइलाइटर्स बहुत कॉस्टली आते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, माई ग्लैम का ये आई लिक्विड
आईलाइनर प्लस एचडी ब्रो पाउडर जिसका प्राइस जो है वो 1095 रुपीज है, लेकिन ये डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। ओरिजिनल प्राइस यहाँ स्क्रीन पर आपको विजिबल कर दूंगी। 3 साल की आपको शेल्फ लाइफ मिल जाएगी जो भी डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है, ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। अभी मैंने ओपन नहीं किया है, मैं अभी फर्स्ट टाइम इसे ओपन कर रही हूँ। ये है आईलाइनर, इसके ब्रिसल काफी ज्यादा अच्छे हैं, मतलब मुझे इसका ब्रश काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप पतला आईलाइनर लगाना चाहते हैं तो आराम से इसे लगा सकते हैं। जेट ब्लैक कलर है, बोल्ड आईलाइनर्स भी आप इससे बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। मतलब इसे काम करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आप काम करना चाहते हैं, आई मेकअप करना चाहते हैं। और नेक्स्ट साइड आपको ये ब्रश मिल जाती है जिसका एप्लीकेटर बहुत ही पतला सा है, मतलब आप देख सकते हैं, और आराम से आप इसे लगा सकते हैं। ब्राउन शेड है, मुझे ब्राउन इसका थोड़ा सा डार्क लग रहा है, मैं अप्लाई करके देखती हूँ। मतलब पाउडरी शेड है जिससे आपका काम करना इजी हो जाएगा। पाउडर्स जो है ना वो काम करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं और जल्दी से काम हो जाता है इनके साथ। बहुत इजीली शेप बन रही है और एक ही स्वैश में आपको कलर पे ऑफ मिल रहा है। क्वाइट इम्प्रेसिव, मतलब अच्छा लगा मुझे ये। आप इसका कलर देख सकते हैं, एकदम मैट फिनिश है और जेट ब्लैक कलर है। अभी हमने आईब्रोज फिल की थी, अभी मैं स्पूली से इसको जो है वो ब्लेंड कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में कितना अच्छा कलर आया है और कितनी आराम से जो है मेरी आईब्रोज की शेप बन गई है। मतलब पाउडर का यही फायदा होता है कि इजिली जो है शेप बन जाती है और काफी इजिली ब्लेंड हो जाता है। सबसे बड़ी बात, मेकअप में ना ब्लेंडिंग इज द की, चाहे वो बेस मेकअप हो, आई मेकअप हो, आईब्रोज फिल करनी हो, कुछ भी करना हो, बस ब्लेंडिंग अगर आपको आ गई ना तो आपको पूरा मेकअप आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से आईब्रोज फिल हो गई, मतलब मुझे इम्प्रेसिव लगा। 1000 रुपीज चाहे मैं इसके लिए पे कर रही हूँ, लेकिन 500 ईच टोटली वर्थ द प्राइस है। अभी मैं इसका जो है एक तरफ आईलाइनर अप्लाई करके देख लेती हूँ। तो आई एम सॉरी, मैं आईलाइनर लगाते हुए बात नहीं कर सकती, लेकिन इसका जो एप्लीकेटर है बिल्कुल मुझे स्टेक वर्की के एप्लीकेटर की याद दिलवा रहा है। स्टेक वर्की का जो आईलाइनर है उसका एप्लीकेटर भी सेम है। वाव, आईलाइनर लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत इजिली लग गया और लुक भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओ माय गॉड, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा। आगे अभी मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चलती हूँ, वो भी माइग्लैम का ही प्रोडक्ट है। इस बार मैंने माइग्लैम, रैने और जस्ट हब के प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। इसमें मैंने काजल एंड आईलाइनर मंगवाया है और इसका प्राइस 750 रुपीज है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये रहा एक साइड, आपको मतलब एक ही साइड है, ओके। इसको आप एज अ आईलाइनर भी लगा सकते हैं और एज अ काजल भी लगा सकते हैं। ये इस तरीके की रोटेशन पेंसिल के साथ आता है और इसका भी जेट ब्लैक कलर है। क्रीमी है, काफी मैट फिनिश दे रहा है। अभी मैं इसको अप्लाई करके देख लेती हूँ। काफी अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब काफी ज्यादा अच्छा जेट ब्लैक कलर है और स्मच प्रूफ भी है, मतलब बहुत ज्यादा स्मच प्रूफ नहीं है, फैल रहा है। तो 750 रुपीज में काजल आ रहा है जो कि टोटली फैल रहा है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। कलर तो जेट ब्लैक है लेकिन ये स्मज प्रूफ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर हम इसे एज अ आईलाइनर भी अप्लाई करते हैं तो अगर ये फैल जाएगा तो कोई वर्थ नहीं है इसको लगाना। मुझे इसका जो है ये वाला कॉम्बो काफी ज्यादा अच्छा लगा, जिसमें आपको आईलाइनर और एक साइड पे आपको जो है आईब्रो फिल करने के लिए मिल रहा है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। मैं फटाफट से इसे यहाँ पर भी लगा लेती हूँ ताकि मेकअप थोड़ा सा इवन लगे। ये है फाइनल लुक और काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे। अभी मैं फटाफट से एक काम करती हूँ, जो कि काम क्या होने वाला है, मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ अपनी ब्राउन बोन को, और वो उसके लिए मैं ये वाला हाईलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ। यस, तो अभी हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेते हैं। ओ गॉड, ये वाली साइड ना मेरी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और काफी ज्यादा मुझे पसंद आ रही है। हम यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं। वाव, ओ वाव, जस्ट वाव, मतलब मुझे इतना ज्यादा पसंद आया ये लुक। मुझे रहने के प्रोडक्ट्स बहुत इम्प्रेसिव लगे, बहुत ज्यादा अच्छे लगे, और माइग्लैम के भी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन मुझे इसका आई शेडो नहीं अच्छा लगा इतना। और इसके अलावा मुझे इसका काजल भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतना महंगा है और उस हिसाब से स्मच भी हो रहा है, तो
मुझे अच्छा नहीं लगा, टू बी वेरी फ्रेंक, और मैं आप लोगों को रिकमेंड भी नहीं करूंगी। अभी जो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ ना, वो है ये किट। ये जस्ट हर्ब की लिपस्टिक्स है जो कि इस तरीके के पाउच में आती है। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था तो मैंने कहा एक बार ट्राई करके देते हैं। और ये है मतलब इसके टेस्टर हैं आयुर्वेदिक है। जस्ट हब के बारे में अगर आपने सुना हो तो आयुर्वेदिक इसमें लिपस्टिक्स है, और 12 लिपस्टिक्स हैं, मिनी लिपस्टिक्स। ओ माय गॉड कितनी प्यारी लग रही है, कितनी छोटी छोटी सी हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी सी लिपस्टिक्स हैं, 12 शेड्स आपको मिल रहे हैं, और बहुत ही मिनी लिपस्टिक्स हैं। आप देख सकते हैं कितनी छोटी और कितनी क्यूट लिपस्टिक्स हैं ये। मतलब दो या तीन बारी में, इतनी लिपस्टिक्स तो हम यूज भी नहीं करते हैं, दो तीन बारी में खत्म हो जाएगी और आपने यहाँ पैक मंगवा सकते हैं। तो मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब वेस्टेज भी नहीं होगी और उसके साथ साथ आप इजिली इसे यूज भी कर सकते हैं। इसका प्राइस 550 रुपीज है 12 लिपस्टिक्स का। तो अभी हम फटाफट से स्वेचेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हब की लिपस्टिक है और यहाँ पर ये इसका कलर पे ऑफ है, ये वन शेड है। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ रही है इसके कलर पे ऑफ के लिए, लेकिन कलर काफी ज्यादा अच्छा है। ट्रांसफर ये डेफिनेटली होगी क्योंकि जितनी भी बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं वो ट्रांसफर होती है। ये है शेड 2। आप इसका शेड, ये थोड़े डार्क शेड है, रेड में आ गया, ये थोड़ा पिंकी शेड हो गया। ये है शेड 3। ये दोनों, ये है शेड 4। ये शेड 5, ये थोड़ा रेड है, ये ऑलमोस्ट सेम शेड्स हैं। ये शेड 6, ये थोड़ा मरून शेड हो गया। ये शेड 7, ये पर्पल शेड। ये हुआ शेड 8, ये भी थोड़ा पर्पलिश साइड पे है, मरून पर्पल साइड। ये है शेड 9, इसके ऊपर नंबरिंग है, ये थोड़ा पिंकिश साइड पे शुरू हो गए। अब शेड 10, ये शेड 11, ये शेड 12, शेड 14, ये शेड 15, शेड 16, लास्ट शेड। ओ माय गॉड, थोड़े थोड़े शेड्स एक दूसरे से जो डिफरेंट कलर्स में हैं आप देख सकते हैं। सभी शेड्स आपको मिल रहे हैं 550 रुपीज में, और बहुत ही मिनी लिपस्टिक्स है जिन्हें आप कम से कम 5 से 6 बार यूज कर सकते हैं और सभी शेड्स का मजा उठा सकते हैं। मतलब अगर आप शेड्स चाहते हैं, आप लिपस्टिक पर्सन है, तो ये डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए क्योंकि हम इतनी सारी लिपस्टिक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। तो मुझे ये टोटली वर्थ द प्राइस लगा और बहुत ज्यादा अमेजिंग लिपस्टिक्स है, तो जरूर चेकआउट करना। इतना ज्यादा ऐसे ग्लोसी फिनिश भी नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मैट भी नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा अच्छे लगे मुझे। तो इनमें से कोई भी आइटम परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने खूब इंजॉय किया होगा। इनमें से कोई भी आइटम परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा क्योंकि मैंने मेकअप लुक भी क्रिएट किया है। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखना चाहते हैं या इसका सीरीज देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, तो मैं जरूर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स। तो जरूर 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 वेट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी अनुप्रिया अरोड़ा ब्लॉग्स। मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।